दोस्तों, मैंने अभी हमारे बकरियों के लिए नाचने की कार्ड लाया। पीछे देख सकते हो, एक 20 वरण मैंने लाया बकरियों के लिए। तो अभी मैं ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि ये जो नाचने की कार्ड होती है, मतलब मराठी मध्ये आम्ही याला नाचने की कार्ड बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को अभी पता नहीं है। और इसका फ़ायदा क्या है बकरियों के लिए, और ये मेरे को सस्ती पड़ी या नहीं, इसका खर्चा मैं बताऊंगा आपको, फिर आप ही बता दो ये मेरे को सस्ती पड़ी या नहीं। और इसका ये जो कार्ड हम लाते हैं बकरियों के लिए, तो थोड़ा दिक्कत भी होता है। वो दिक्कत क्या है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। और दूसरा कारण है ये बकरियों के लिए फ़ायदेमंद भी कैसी है, वो भी देखते हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश रहाटे, स्वागत है आपका रहाटे गोट एंड एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल पर। तो ये नाचने की कार्ड लाने का मेरा कारण ये है कि अभी मेरे पास चारा नहीं है। तो अभी क्या होता है, मैंने जो सुपर नेपियर, मक्का क्रॉस नेपियर जो भी चारा लगाया है, वो भी 2 महीना लगेगा पूरा बढ़ने के लिए। तो तब तक के लिए क्या करूँ, थोड़ा मैं सोच रहा था कि मुर्गस भी लाऊँ। तो मुर्गस मेरे को अभी 10-11 रुपये पड़ेगा, ठीक है, वो भी पड़ना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरा फार्म है पूरे पहाड़ी इलाके में है, और वहाँ पर गाड़ी नहीं जाती है। इसका वेट होता है 70 या 80 kg का बैग होता है, तो ये उठा के ले नहीं जा सकता हमारे फार्म पे। तो अभी तो इसके लिए मैंने अभी सोचा मैं एक कार्ड ही ये करता हूँ बकरियों के लिए। और दूसरा, जंगल में तो मिलता है फनस का पत्ता, उम्बर का पत्ता, वो अभी मैं डाल रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी तुरबुस्कट लाने का सोचा ना, तो एक 22-23 रुपया रेट है, तो नहीं पड़ेगा इतना महंगा चारा। तो अभी सोच रहा हूँ इसका भी रेट आपको बता दूंगा, मेरे को कैसी पड़ी, इसका भाड़ा वगैरह सब देख के फिर बता दो ये मेरे को सस्ती पड़ी या नहीं। दोस्तों देखो, ये ऐसे नाचनी का भाड़ा बांध के रखते हैं यहाँ के फार्मर लोग, मतलब मराठी मध्ये आम्ही याला नाचनीचा भाड़ा बांधतो बांधलेला। तर याचं मी वजन केलं ना, तर 15 ते 18 किलो असं वजन भरलं एक काट्यावरती केलं, तर जेमतेम 20 किलो, 15 ते 20 किलोपर्यंत तुम्ही म्हणू शकता। आणि हे एक भाड़ा मला 50 रुपयाला पडला। तो दोस्तों, अभी ये आप जो कार्ड देख रहे हो ना, तो ये मैं अभी लेकर जाऊंगा हमारे फार्म पे। तो ये अभी ये रास्ता देख रहे हो आप हमारे फार्म का, पूरा पहाड़ी एरिया पे, पूरा पहाड़ी एरिया है दोस्तों। और यहाँ पे कैसा है, गाड़ी नहीं जाता है, सिर्फ 2-व्हीलर जाता है। तो मैं 2-व्हीलर से लेकर जाता हूँ या सिर्फ सर पर उठा के। तो ऐसा अभी मैं लेकर जाऊँगा ये कार्ड नाचने का भाड़ा। दोस्तों अभी ये मैं लेके जा रहा हूँ सर पे उठा के, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, थोड़ा रास्ता नहीं है हमारे पास। मैं अभी इस साल अगले साल करवाने वाला हूँ पूरा रास्ता। तो अभी ये थोड़ी दिक्कत आती है हमें पूरा जंगल, मतलब फार्म पे ले जाने के लिए ऐसा सर पे लेके जाना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत बहुत है, लेकिन करना पड़ता है। तो अभी मैं ऊपर जाऊँगा फार्म पे लेके ये। तो अभी मैं सब चारा वीरा लाता हूँ ना जंगल से, जंगल से अभी पत्ता, मतलब फनस का पत्ता वगैरह, तो ऐसा ही सर पे उठा के जाना पड़ता है। नहीं तो मेरे स्प्लेंडर गाड़ी है, तो उसको पीछे बांधता हूँ और लाता हूँ ऊपर। ये देखो, ये आप ऊपर ऐसा फार्म है, और ये पूरा नीचे ऐसा हमने अभी लाया है ये। तो दोस्तों अभी हम लोग फार्म पे आए हैं, अभी एक गेट है फार्म का, और हमारे फार्म पे बकरियाँ देख सकते हो आप चारा खा रही हो अभी। ये दोस्तों कड़वा कुट्टी मशीन है, हम अब देख सकते हो यहाँ पे हम लोग पूरा चारा कट करते कटिंग करते। अभी ये शिवन का पत्ता है, मैंने लाया है आज ही। अभी आप एक कार्ड देख रहे हो, अभी ये मैं कट करूँगा मशीन से। दिक्कत क्या आती है आप लोगों को बता दूंगा अभी। ये जो कार्ड है ना, आप जब मशीन पे डालते हो ये कड़वा कुट्टी मशीन पे, तो अच्छी तरह से कट नहीं होती है दोस्तों। अभी आपको देखने के लिए देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो अभी मैंने ये चालू किया है मशीन, और पूरी तरह से कटिंग नहीं होती है, जाड़ा 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 में थोड़ा रहता ही है। और उस पर क्या होता है दोस्तों, बकरियाँ है ना बाहर खींचते हैं, मतलब एक बार वो जो चारा है बाहर आ गया, जमीन पे पड़ गया, तो खाती नहीं है, पूरी तरह से कटिंग नहीं होता है।
मतलब अभी मराठी में बताओ तो काड असते ना मित्रांनो, ती चिवट असते आणि ती मशीन मध्ये व्यवस्थित बारीक होत नाही, तर बरीचशी अशी मोठ्या प्रमाणात बाहेर येते आणि ती व्यवस्थित बारीक न झाल्यामुळे शेळ्या काय करतात, खात नाहीत व्यवस्थित, तर बाहेर तोंडाने ओढतात. तुम्ही बघू शकता हे बघा किती जाड राहिले मशीन मध्ये. तर ही आता आपल्याला कोयतीने बारीक करायला लागणार आहे. तर दोस्तों ऐसा दिक्कत आता है, ये जो नाशनी का काड है ना वो कटिंग करने में ऐसी दिक्कत आती है. और आप देखोगे ना तो मशीन पे भी बहुत ऐसी अटक गई है एक कार्ड नाचने की, तो ऐसा एक प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है. अगर आपके यहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता तो कमेंट करके बता देना, तो मैं समझूंगा ही मेरा ही कुछ गलती हो रहा है, मतलब वो मैं सुधार लूँगा. तो अभी ये हम कटिंग कैसे करेंगे, जो कोयती होती है वहाँ से हम लोग कट करेंगे ये कार्ड. और ये आप निकाल लेंगे ना मशीन से तो भी निकालती तुरंत निकलती नहीं है दोस्तों, बहुत दिक्कत आती है. तो अभी ये कोयती से मैं कट कर रहा हूँ, थोड़ा मतलब बहुत परेशानी होती है यार ये भी कट करने से. आप कोयती से देखोगे ना तो एकदम बारीक इसी तरह से आप कट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों बहुत टाइम लगता है ये कट करने में. और दोस्तों मतलब हाथ पण खूप दुखतो खरं सांगायचं म्हणजे, आणि याच्यामध्ये मी दोन माणसं केली होती की कार्ड कट करायला, तर त्यांनी फक्त 9 भारे दिवसभरामध्ये कट केले, कारण आणि 500 रुपये मला ते दोन माणसांची मजुरी द्यावी लागली. तर 9 भारे म्हणजे मी एकूण 20 भारे आणले होते मित्रांनो, तर 9 भारेच फक्त त्यांनी कट केले अशी कोयतीने, बाकी मला हा स्वतःच करावा लागला. म्हटल्यावर ती मजुरी खरं तर परवडत नाही मित्रांनो, म्हणजे मला जसा वेळ मिळाला तसं मी आताही बारीक करतोय. तो दोस्तों अभी आप हिसाब लगाओगे ना तो 1000 रुपये भारे का हो गया 20 भारों का, और 500 रुपया इन मजदूरों का मतलब 1500, और 400 रुपये भाड़ा, मतलब एक 2000 रुपये पकड़ो, 2000 रुपये पकड़ लीजिए. और दोस्तों बाकी मैंने खुद ही कटिंग किया इसी तरह से. तो मित्रों आम्ही असं बारीक कोयतीने हा नाचणीची काड बारीक केले अशा रीतीने, आणि याच्यामध्ये आम्ही प्रक्रिया केली आहे ती सांगतो तुम्हाला. त्याच्यामध्ये मित्रांनो असं बारीक झाल्यानंतर आम्ही मीठ मारून ठेवतो, म्हणजे पसरवायचा पूर्ण काड आणि मीठ मारायचं, म्हणजे रात्री मीठ मारलं ना की रात्रभर मुरतं त्याच्यामध्ये, सकाळी खायला द्यायचं. शेळ्या खूप आवडीने खातात. आणि दुसरी गोष्ट मित्रांनो, याने दूध पण चांगलं वाढतं शेळ्यांचं, आणि शेळ्यांची म्हणजे ही काड शेळ्यांसाठी खूप पौष्टिक असते नाचणीची काड. तर एकंदरीत तुम्ही तुरीचा तूर भुसकट किंवा बाकीचा असा विचार केलात ना खाद्याच्या दृष्टीने, तर ही नाचणीची काड तुम्हाला परवडते बऱ्यापैकी. फक्त ही हा ताप मोठा आहे की कोयतीने बारीक करावं लागतं नाचणीची काड. तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमने पहले एक दिन पहले हमने जो नाचनी की काड कटिंग किया था तो हमने डाली है बकरियों को खाने के लिए, तो बकरियाँ बड़ी चाव से खा रही है आप देख सकते हो. तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो दोस्तों, आपको अगर परवड़ेगा तो. लेकिन क्या दिक्कत है और क्या प्रॉफिटेबल है, मतलब क्या फ़ायदेमंद है, ये मैंने आपको बता दिया. फिर भी मेरा कुछ गलत हो रहा है तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं कोशिश करूँगा उसमें सुधार लाने का. तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बाजू का बेल बटन जरूर दबाना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों.